ગુજરાતી મીડિયા ડોટ કોમ સાથે આજે વાત કરી રહ્યા છે મ્યુઝિક ડિરેક્ટર વિજય વર્મા. આપણે ઇન્સ્પેક્ટર અવિનાશ વેબ સિરીઝ જે બહુ બધા બિંજ વોચ કરી છે એના મ્યુઝિક સાથે સંકળાયેલા છે. આપણે એમની સાથે એ સિરીઝ વિશે અને એમની જે ટ્રિનિટી છે, ત્રણ જણ ભેગા મળીને સરસ મેનું સંગીત પીરસે છે, એના વિશે વાત કરીશું. તો મુજે આપકો પહેલા સવાલ યે પૂછના હૈ કે જબ હમ કોઈ સિરીઝ કે લિયે યા કોઈ પર્ટિક્યુલર કન્ટેન્ટ કે લિયે જબ મ્યુઝિક ક્રિએટ કરને કે બાત આતી હૈ તો હમ એક સર્ટન તરહ કા કન્ટેન્ટ દેખ કે બડે હુએ હોતે હૈ. જૈસે કે હોરર કા આતા હૈ તો વો કિલ કર હસે યાદ આતા હૈ, યા 90s વાલો કો આહટ યાદ આતા હોગા. સો યુ નો ધેર ઇઝ અ રેફરન્સ પોઈન્ટ. યા ધેર ઇઝ અ રેફરન્સ પોઈન્ટ. But then when you have to create, you have to have your own identity into it also. Mm. Tell me your journey, in reference to this particular project, as a music director. It started with Neeraj ji's brief. Ji, I mean, ji. He narrated the whole story. And then, my style is, main pehle geet likhwata hun, and then I compose okay. it. Okay. So, mere wale tarike mein kaam thoda aasan hai. Because lyricist has to do more usko than uski freedom mil jati hai, uski freedom milti hai, but usko sabse pehle content create kar lena hota hai. So lyricist first jo hai wo geet likh leta hai, fir main usko compose karta hu, to mera kaam aasan ho jata hai. Lyrics jo hai mere liye ek base hai, mera science hai wo yahi ki uske piche jo thoughts hain they give you a tune. Oh wonderful. Lyrics ke piche ek tune hoti hai always, composer knows that and he'll find it out. So, ये ऐसे ही शुरू हुआ. नीरज जी ने ब्रीफ किया मंथन, जो लिरिसिस्ट हैं हमारे, राजेश मंथन. मंथन हमारे साथ बहुत सालों से कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, और ख़ास करके ये जो प्रोजेक्ट्स था इसमें बड़ा हिंदी बेल्ट के शब्दों का यूज़ होना था, बहुत हिंदी लैंड का था, हार्टलैंड स्टोरी थी. तो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इनमें इसमें होना था, मंथन वॉज द ओनली चॉइस इन माई आईज एंड नीरज जी के लिए भी, और ही रोट इट. एक बार लिरिक्स जब अप्रूव हो गया, देन फिर इट वाज अ फ्यू मिनट्स जॉब टू कंपोज इट. ओके. एंड देन द टीम म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो हमारे हैं, अनामिक चौहान एंड लिटॉन, जिनके साथ मैं बैकग्राउंड के लिए कोलैबोरेट करता हूं, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द म्यूजिक एंड देन सिंगर केम एंड वी फाउंड द सॉन्ग. एंड व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट रिस्पांस एक आउटसाइडर की तरफ से इस क्रिएशन को लेकर? इनफैक्ट अगर मैं याद करूं तो सबसे पहला गाना जो हमने किया था, नीरज जी ने बहुत सारे सिचुएशंस बताए वन आफ्टर अनदर कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. उसमें उन्होंने कहा था एक मुजरा करना है. देर इज अ सिचुएशन जहाँ पे एक कोई नाचने वाले के कोठे पे कोई एक गाना होना है, एंड वहाँ हीरो की एंट्री है एंड ऑल. तो मैंने उनको कहा कि सर मुजरा की जगह अगर हम ठुमरी कर लें, बिकॉज हम बात कर रहे हैं लखनऊ बनारस यूपी वाले बेल्ट की, तो और बहुत दिनों से ठुमरी आया नहीं है किसी फिल्म में. जी. तो उन्होंने कहा यार ट्राई करते हैं, एंड देन वी क्रिएटेड ठुमरी. दैट वाज द फर्स्ट एवर सॉन्ग लॉक्ड फॉर द सीरीज एंड इट हैज कम आउट सो वेल. मेरे ख्याल से एपिसोड 3 में है शायद. बहुत ही पसंद कर रहे हैं लोग. पूरा गाना शायद अभी रिलीज हुआ नहीं है, होने वाला है. आई थिंक वो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है उस गाने के साथ. सुवर्णा तिवारी ने गाया है, लिटॉन ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, एंड जैसे मंथन ने ही गाने लिखे हैं सारे. सो पहला गाना वो था. दूसरा था जिसके लिए रेफरेंस था नीरज जी की तरफ से फील वाइज, केसरी का वो गाना, पैट्रियोटिक सॉन्ग जो मिट्टी. बट उसका पिच उतना हाई नहीं रखना था, बिकॉज यहाँ थोड़ा सटल था. हमारी वाली सिचुएशन में, इंस्पेक्टर वाला साले सिचुएशन में, जहाँ पे रणदीप हुड्डा के साथ जब भी कुछ घटनाएं होती हैं तो बैकग्राउंड से वो गाना बजता है. कहानियाँ सॉन्ग जो है, जो केशव ने गाया है, अनामिक ने प्रोड्यूस किया है, मंथन ने लिखा है, तो वो गाना मेरा भी फेवरेट है, हमारी पूरी टीम का फेवरेट है. और ठुमरी, ये दो गाने हमने सबसे पहले जो अचीव किए थे, ये बहुत सारे लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है. मतलब हमारे सारे दोस्त जो हैं, आप अगर कमेंट्स देखेंगे कहानियाँ में यूट्यूब में, तो लोग हमें नहीं पता उनको कैसे मालूम था कि ये रेफरेंस हमको क्या दिया गया था. दे टॉक अबाउट मिट्टी सॉन्ग, मिट्टी, दे कैन रिलेट. हां, दे कैन रिलेट कि बॉस दिस इज द सेकंड सॉन्ग गोइंग इन दैट जॉनरा, सो वी आर हैप्पी. यस, ऑफ कोर्स. और अच्छा म्यूजिक आए तो कौन खुश नहीं होगा. जी, थैंक यू सो मच. मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे
चेंजेस आए हैं यू नो म्यूजिक इंडस्ट्री में, अभी आईपीआर राइट्स को लेके भी पॉजिटिव चेंजेस हो गए. व्हाट आर द चेंजेस दैट यू फील के और होने चाहिए, और ऐसे कौन से पड़ाव हैं यू नो म्यूजिक इंडस्ट्री के जिनको लेकर आपको यू नो इट यू फील दैट दीज वर द मेजर चेंजेस एंड दैट हैज एंड दोज हैव impacted the music industry per se a lot. So IPRS royalty की मैं बात करूँ, एक बहुत बड़े चेंज की जरूरत है. जैसे भी सिंगर्स को रॉयल्टी देना है उन्होंने, जी 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 जी, क्योंकि सिंगर्स का भी क्रिएटिव इनपुट टू अ सर्टेन एक्सटेंट सॉन्ग्स में होता ही होता है. द वे दे इम्प्रोवाइज, दे गिव देयर इनपुट, समटाइम्स वी जैम टुगेदर विद द सिंगर्स एंड वी क्रिएट सॉन्ग्स. एक और चीज बाकी है जो होनी चाहिए, बहुत जल्दी होने की जरूरत है, वो है म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का. हम जो गाने सुनते हैं, गाने लिखने वाले ने लिखा, जाहिर है उसने क्रिएट किया, मैंने ट्यून कंपोज किया एज ए कंपोजर. तीसरा जो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द सॉन्ग एंड हु इज अ क्रिएटर आल्सो, दैट इज म्यूजिक प्रोड्यूसर. जो उसके म्यूजिक पीसेज की मेलोडी बना रहा है, दैट इज अ क्रिएशन. सो वो रॉयल्टी जरूर इनकी शुरू होनी चाहिए, जल्दी शुरू होनी चाहिए. ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया म्यूजिक प्रोड्यूसर को रॉयल्टी मिलती है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो होना चाहिए. और पड़ाव अच्छे बुरे दोनों की बात करूं मैं, बहुत खुल के बात, पता नहीं कितना करना इस पे ठीक होगा. मैं ये कहूंगा कि जो लोग ट्रेड में, म्यूजिक की ट्रेड में लीड कर रहे हैं, जो लोग जिनके इशारों पे चलता है सब कुछ, उनको म्यूजिक बचा के रखना उनकी जिम्मेदारी है. म्यूजिक नहीं रहा ना, म्यूजिक ख़राब हो गया ना, तो आज नहीं तो कल ट्रेड भी ख़राब हो जाएगा. तो उनकी जिम्मेदारी है Balance between the commerce and the quality. वो आर्ट अगर नहीं रहा तो आर्ट से जुड़ा हुआ ट्रेड भी नहीं रहेगा. तो जो अच्छे सिंगर्स हों, वो थोड़े हमारे मिजाज से नहीं भी मिलते हों, तो भी उनको बिठा के रखा जाए. क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं, दे आर नॉट ऑफिस गोइंग, नो ऑफिस बेरर पीपल, बैंक के क्लर्क नहीं है वो. जो सबका ऐसे मूड होता है, तो वी आर इन अ क्रिएटिव वर्ल्ड जहाँ सबको लेके साथ चलना है. खास करके टैलेंटेड लोगों को थोड़ा माफ किया जाए, थोड़ा डिस्काउंट किया जाए. हाँ, तो इंडस्ट्री बची रहेगी. म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छा म्यूजिक होगा तो इंडस्ट्री चलेगी, अच्छा म्यूजिक होना बंद हो जाएगा तो ऐसा बीच में दौर आता है कि मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, बट कुछ लोग क्यों नहीं गा रहे हैं समझ नहीं आता, और कुछ लोग क्यों गाए जा रहे हैं ये भी समझ में नहीं आता. कुछ लोग इतना कम म्यूजिक क्यों बना रहे हैं, और कुछ लोग बना ही जा रहे हैं, मतलब देयर एवरीवेयर. सो उस इक्वेशन को जो ताकतवर लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, नॉट फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द ट्रेड बचेगा, फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक ऑल्सो. मैं तो कह रहा हूँ चलो उनको म्यूजिक से मतलब नहीं, उनको ट्रेड से तो मतलब है, तो ट्रेड के लिए कर दो भाई. खुद म्यूजिक क्रिएट करते हैं, आपको किसका म्यूजिक अच्छा लगता है? रहमान साहब अच्छे लगते हैं मुझे, उसके पहले मदन मोहन साहब अच्छे लगते हैं, नुसरत फतेह अली खान बहुत अच्छे लगते हैं. मदन मोहन साहब मेरे लिए सबसे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं. इलैयाराजा साहब भी बहुत पसंद हैं. आज के लोगों में अमित त्रिवेदी के कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड ही इज लकी, ही इज गेटिंग हिज काइंड ऑफ डायरेक्टर्स. So, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अमित की पहली फिल्म देवडी ना होती और वो हिट ना होती और वो अनुराग कश्यप की फिल्म ना होती तो क्या होता, तो हिस्ट्री कुछ और होती. सही बात, शायद अमित को नहीं जानते हैं. वो एक जो बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि राइट टाइम पे राइट टीम आपको मिली, राइट फिल्में मिली. हमारे मेरे 8 प्रोजेक्ट सोलो फिल्में थी जो रिलीज ही नहीं हुई. सो वो तो किसी को पता नहीं है, वो मुझे पता है कि उसमें क्या गाने थे और क्या नहीं रिलीज आया, क्या सामने नहीं आया. Those songs could be the trendsetters of that time. So, ये एक है, but I like Amit Trivedi in today's time. Mithun के भी कुछ गाने, he is a very simple and very good composer. सीधी लाइन खींचता है जो बहुत मुश्किल होती है. रहमान साहब के पुराने गाने, मतलब रोजा के टाइम वाले गाने जो हैं बहुत अच्छे थे. इन दिनों थोड़ा कम मज़ा आ रहा है. MM करीम साहब भी पुराने वाले ज़्यादा अच्छे थे. सेकेंड वर्सन ऑफ MM करीम इज नॉट दैट ग्रेट जो उस समय था. सुर और जिस्म और उस समय क्रिमिनल के.
बट मदन मोहन इज द बेस्ट फॉर मी। और आप किन के साथ काम करना चाहेंगे, कैसे और कौन से डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे? भंसाली साहब की फिल्मों में बड़े अच्छे सिचुएशंस होते हैं, बट अब तो कोई चांस नहीं भी, जो खुद ही म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। तो इस्माइल भाई से जलन होती थी कि यार इनको इतना अच्छा डायरेक्टर मिला जिसने जिसने हम दिल दे सनम का टाइटल ट्रैक ओके किया होगा, इज ग्रेट, जिसने उसको हाँ बोला होगा, जिसने तड़प तड़प गाने को हाँ बोला होगा। आपको पता है तड़प तड़प का किस्सा, एक मुकुल आनंद की एक फिल्म 10 में वो गाना उन्होंने सुनाया था, 10 के लिए सिटिंग हुई थी, तो उनको सिटिंग रूम से बाहर निकाल दिया गया था कि यार ये किस आदमी को लेके आया, ये 1950 के गाने सुना रहा है। इस गाने की वजह से उनको वहां से निकाला गया था। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द सॉन्ग, इट इज अबाउट द पीपल हु आर सेलेक्टिंग एंड चूजिंग। वो हमसे ज्यादा बड़े, आज भी तड़प तड़प सुन के तड़प जाता है, तड़प जाते हैं। और ऐसा कौन सा गाना है, ऐसा होता है ना कि एक गाना होता है, चाहे ऐसा कोई ऐसा एकदम ऐसा कोई क्लासिक कल्ट ऐसा जरूरी नहीं हो, बट एक गाना खेलता रहता है हमारे दिमाग में कहीं पर, ऐसा कौन सा गाना है जो आपके मन में खेलता रहता है? और आप दो गाने हैं अब संजोग से, वो दोनों गाने एमएम करीम साहब के हैं। एक तो आवारापन बंजारापन, एक तो ये गाना, और वो मेरा भाई था के मतलब इज नो मोर नाउ, वी मिस हिम सो मच, तो ये उसका गाना है। और दूसरा भी करीम साहब का है, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ये भी बड़ा अच्छा था। ये दोनों गाने यदा कदा आते हैं जहन में, वैसे तो बहुत सारे गाने बचपन से गाने ही सुन रहे हैं, तो पसंद किए जा रहे हैं जी। और यू नो बिफोर आई लेट यू गो, यू मेक म्यूजिक विद योर फ्रेंड्स, या कितने झगड़े होते हैं? कितनी आर्गुमेंट्स होती है? मैं अपनी चलाता हूँ और कभी कभार ये लोग मेरे पे दो सब मिलके भिड़ जाते हैं कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं कभी कभार सेंटर करता हूँ, 90% टाइम मैं अपनी चलाता हूँ। मेरा मानना है कि कन्विक्शन जो है ना, गाड़ी एक ही आदमी चला सकता है, ड्राइविंग सीट पे 5 लोग नहीं बैठ सकते, और नो बैक सीट ड्राइविंग, लेट हिम डिसाइड, यू डिसाइड योर ड्राइवर एंड लेट हिम ड्राइव। ओके, सो ड्राइवर चेंज नहीं होता? हो जाएगा। ओके, जब लगेगा शायद थकान होगी, सजेशन आएगा, तो समटाइम्स मैं बीच बीच में ब्रेक लेता हूँ एंड आई लेट देम डिसाइड। Take the lead. Okay, that is lovely. It was lovely talking to you. All the best, and we are waiting के जो भी बचे हुए गाने हम जल्दी जल्दी पूरे जल्दी सुनने को मिले। सुने बिल्कुल. Thank you very much. Thanks a lot. Having me here. और आप सब लोग देखिए इंस्पेक्टर अविनाश, बहुत अच्छी सीरीज है, गाने बहुत अच्छे हैं, और पूरे पूरे गाने सुनिए जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, टाइम्स म्यूजिक एक एक करके गाने रिलीज कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।